हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू चैनल। आज करने वाले एक और नई अनबॉक्सिंग, वो है फायरवॉल की स्मार्ट वॉच जिसका एक्सपेडिशन एडिशन है। उससे पहले इसके ऊपर जो कवर लगा हुआ है, जो रैप है, उसको हम लोग करते हैं अनरैप और बाद में दिखाता हूँ इस बॉक्स पे क्या क्या फीचर्स इसके यहाँ मेंशन किए हुए हैं। तो चलो करते हैं फटाफट इसको जल्दी से अनरैप और देखते हैं ये वॉच कैसी है। लेट्स गो। इसको हम कर लेते हैं टेयर। तो इसका प्लास्टिक तो हमने दिया निकाल, पूरा निकाल लेते हैं इसको। ओके, प्लास्टिक हमने निकाल लिया है इसका। अब देखोगे आपके सामने रखी हुई है फायरबोल्ट की स्मार्ट वॉच एक्सपेडिशन एडिशन है। ब्लूटूथ कॉलिंग के साथ में आती है, आउटडोर रगेड वॉच है ये, इनबिल्ट जीपीएस ट्रैकिंग सिस्टम के साथ आती है स्मार्ट वॉच। क्लाउड बेस 500 प्लस इसके वॉच के डायल्स है, जो आप चेंजेस जो अंदर दिख रहा है एक्चुअली फिजिकल डायल नहीं है, ये वर्चुअल है। तो ऐसे बहुत सारे डायल्स आपको मिल जाएंगे जो आप चेंज कर सकते हो। साथ में देखोगे 3.5 mm, मतलब इसका मतलब है कि 1.39 inches का इसमें डिस्प्ले आता है, जो कि हाई रेजोल्यूशन फुल टच स्मार्ट वॉच है ये, जो कि कंप्लीट हेल्थ सूट के साथ में आता है। वाटर रेजिस्टेंस है, वॉइड असिस्टेंस के साथ में आता है, धोनी महाराज की फोटो दी है सिग्नेचर के साथ में। मेड इन इंडिया प्रोडक्ट है। आप देखोगे इसका जो डिजाइन है, मैंने जो वॉच पहनी हुई है ये है जी शॉक वॉच है कैशो की, लगभग ऐसा इन्होंने सेम डिजाइन बनाया हुआ है। खोलने के बाद पता चलेगा कि क्वालिटी कैसी है इस वॉच की। इस तरफ आओगे, यहाँ देखोगे यहाँ दिया हुआ है 35.mm 1.39 inch HD टच डिस्प्ले, 360x360 का रेजोल्यूशन है इसका, और यहाँ है हेल्थ सूट एंड स्लीप मॉनिटरिंग। इसको पहन के आप सो गए, आपके स्लीप मॉनिटरिंग भी ये मॉनिटर करता रहेगा। और इस तरफ आओगे, यहाँ दिया हुआ है 300 mAh की बैटरी है, जो कि 180 मिनट्स ऑफ द फुल चार्ज, एक बार फुल चार्ज करोगे 180 मिनट तक ये चलेगी। 120 प्लस स्पोर्ट्स मोड्स है इसके अंदर, और वॉइस असिस्टेंस के अंदर दिया हुआ है इसके अंदर। और इस तरफ आगे इसकी कंटिन्यूटी आप देखोगे यहाँ पे दी हुई है वॉच की, यहाँ दे दिया है फायरवॉल स्मार्ट वॉच एक्सपेडिशन इनबिल्ट ट्रैकिंग सिस्टम। यहाँ पर एक लोगो दिया है जो कि ईस्ट एंड नॉर्थ साउथ है, आप देखोगे यहाँ दिया हुआ है एक तरीके से। यहाँ पे सारा मैन्युफैक्चरिंग डिटेल दिया है, देखोगे जो प्राइस दिया हुआ है यहाँ मेंशन किया है 21,999, जो कि इतने की है नहीं, प्राइस तो मेंशन कर दिया है। 1800 रुपए की वॉच ऑनलाइन दिखा रही है, पर गूगल से कुछ कूपन लेने के बाद में, कुछ डिस्काउंट्स के बाद में लगभग 1600-1650 रुपए की ये वॉच पड़ती है। और बैक साइड में आओगे, यहाँ देखोगे यहाँ दिया हुआ है ब्लूटूथ कॉलिंग, हार्ट रेट मॉनिटरिंग, 15 डेज का स्टैंड बाय टाइम है, 300 mAh की बैटरी है इसके अंदर, 128 स्पोर्ट्स मोड्स है, वाटर रेजिस्टेंस है, इनबिल्ट स्पीकर है, आप इसमें से कॉलिंग भी कर सकते हो, इसमें इनबिल्ट स्पीकर दिया हुआ है, जीपीएस एनेबल वॉच है ये। मेन फीचर क्या दिया हुआ है इसमें, ड्यूअल एक्सेसिबल बटन्स है विच मेक द रिसीव कॉल डायरेक्टली। ओके, इस वॉच से आप डायरेक्टली कॉल रिसीव कर सकते हो। यहाँ देखोगे यहाँ पे आपको दिया हुआ है QR स्कैनर, जिसको आप स्कैन करके इसका ऐप डाउनलोड कर सकते हो, ऐप का नाम है डाफिट ऐप। मॉनिटरिंग सिस्टम में क्या क्या मॉनिटर करेगा वो सारी चीजें यहाँ दी हुई है, हार्ट रेट है, SPO है, स्लीप मॉनिटरिंग है, स्टेप्स है, कैलोरीज डिस्टेंस है, ड्रिंक वाटर रिमाइंडर, वे सारी चीजें है। ट्रेनिंग मोड में देखोगे यहाँ दिया हुआ है वॉकिंग, रनिंग, साइकिलिंग, स्किपिंग, टेनिस, बैडमिंटन, बहुत सारे स्पोर्ट्स एक्टिविटीज है जो यहाँ पे दी हुई है। कंट्रोल के अंदर देखोगे वेदर अपडेट्स देगा, कैमरा कंट्रोल देगा, म्यूजिक कंट्रोल, अलार्म है, कैलकुलेटर है, लगभग बहुत सारी चीजें, लगभग एक तरीके से देखा जाए तो ये एक मोबाइल फोन की तरह ही काम करेंगे इसके जो फीचर्स है। बी अपडेटेड ऑन दस, यहाँ पे इन लोग ने दिया हुआ है फायरवॉल्ट कहाँ का, इनके आप डिटेल्स देख सकते हो, फेसबुक पे है, ट्विटर पे है, इंस्टाग्राम पे है, यूट्यूब पे। तो फटाफट चलो करते हैं इसकी फटाफट से अनबॉक्सिंग और देखते हैं वॉच कैसी है। उसके लिए इसको उठाते हैं बॉक्स को ऐसे। ओके, ये देखिए। सो आप देखोगे कि यहाँ पे वॉच अभी अनबॉक्स हो चुकी है, इसको हम निकालते पहले बाहर। ये एक अच्छी सी रगड़ वॉच है, इसके बारे में बाद में बात करते, पहले देखते और एक्सेसरीज क्या क्या है इसके साथ में। बॉक्स में ये एक फॉर्म मटेरियल दिया हुआ है, अच्छी क्वालिटी का है, प्लास्टिक नहीं दिया हुआ है, पेपर्स है। इस तरफ आओगे, यहाँ देखोगे आप ए टाइप टू, इसका जो चार्जिंग है मैग्नेटिक चार्जर है इसका, आप देखोगे यहाँ देखता हूँ चार्ज मैग्नेट। ओके, इस तरफ से ये स्टिक हो जाएगा और चार्जिंग करना शुरू करेगा। चार्जिंग कैसे होगी वो भी मैं आपको एक्सप्लेन कर दूंगा, बकायदा वीडियो में दिखा दूंगा। तो फिलहाल इस केबल को रखता हूँ साइड में, और इसके अंदर और क्या क्या आ रहा है बॉक्स खाली। और यहाँ देखोगे कि फायरवॉल्ट का यूजर मैनुअल दे रखा है कि इसमें कैसे आपको इसको यूज करना है या इसके फीचर्स कैसे ऑपरेट करने हैं, एक ये दे रखा है। यहाँ दिया हुआ है फायरवॉल्ट का नंबर वन स्मार्ट वॉच ग्लोबली, एक कार्ड की तरह दिया हुआ है, रजिस्टर वारंटी, वारंटी रजिस्ट्रेशन कार्ड है, इसको स्कैन करके आप वारंटी इसके रजिस्टर कर सकते हो। दूसरा कार्ड दिया हुआ है कॉन्ग्रेचुलेशन करके दिया हुआ है, यहाँ पे शायद एक कुछ कूपन है स्पॉटीफाई के और प्ले अनलिमिटेड गेम्स के लिए, तो उसको स्कैन करके आप वो भी कर सकते हो। वार्निंग, डू नॉट यूज फास्ट चार्जिंग एडेप्टर तो चार्ज ये वॉच, 5 वोल्ट से ऊपर का चार्ज नहीं करना है, नहीं तो वॉच डैमेज हो सकती है। बैक साइड में दिया है चार्ज ये वॉच फॉर 60 मिनट बिफोर यूज करने से पहले 1 घंटा इसको चार्ज कर लो। यहाँ दिया हुआ है सरप्राइज, यू वन अ फ्री मूवी टिकट। भाई मूवी टिकट कहाँ के लिए दी हुई है, फ्री बुक माई शो। ओके, एक पिक्चर और फ्री हो गई, आराम से जाके मूवी देख के आएंगे। फिलहाल मैं इसको रखता हूँ बॉक्स के अंदर, बॉक्स करता हूँ बंद
और बात करते हैं इस वॉच के बारे में, इसका फेस कैसा है। तो क्वालिटी देखी जाए, पहले मैं इसका अनरा यहाँ से जो है इसको पील आउट कर देता हूँ। यहाँ देखोगे यहाँ लिखा है फायरबोल्ट प्लीज चार्ज अ वॉच 200% बिफोर फर्स्ट यूज। ओके, इसको मैंने निकाल दिया बाहर और इस तरफ देखोगे इसका डिस्प्ले लगभग 2 इंच के आसपास ही है, देखा जाए तो 1 इंच पौने 2 इंच का डिस्प्ले है। और यहाँ दिया हुआ है, इस तरफ देखोगे यहाँ दिया है फायर बोल्ट। ओके, ऊपर साइड में एक बटन है, नीचे साइड में एक दे रखा है, यहाँ पे रोलिंग एक बटन दे रखा है और ऐसा कुछ है नहीं इसके अंदर। बात करते हैं इसके स्ट्रिप के बारे में, इसका जो बेल्ट है क्वालिटी डिसेंट है बेल्ट की, देखा जाए तो वॉच में भी अच्छा खासा, एकदम लाइट वेट नहीं बोल सकते, चीप क्वालिटी नहीं लग रही, क्वालिटी अच्छी लग रही है। खाली फर्क इतना है इसका बेल्ट चेंज नहीं कर पाओगे मार्केट से बेल्ट लेके, इसको ओपनली पूरा स्क्रू ओपन करके सेम बेल्ट मिला तो ही कर पाओगे। बैक साइड में आप देखोगे यहाँ सारे सेंसर रीडर्स दिए हुए हैं और इस तरफ दिया है चार्जिंग एरिया, इस तरफ देखोगे यहाँ दिया हुआ है चार्जिंग एरिया, आपको बस इसको यहाँ लाके रखना है। डिसेंट है इसका मैग्नेटिक, ये देखोगे केबल लटका रखा है मैंने, वॉच गिर नहीं रही है तो मैग्नेट इसका जो अच्छा खासा है, इसको रख के हम लोग चार्ज कर सकते हैं, इसको यहाँ से चार्ज होगा। और बैक साइड में यहाँ लिखा हुआ है, आप देखोगे शायद नजदीक से दिख जाए तो आपको, फायर बोल्ट मेड इन इंडिया। और स्ट्रिप की बात करें डिसेंट है, कोई इतना बुरा नहीं है, अगर मैं देखा जाए मैं इससे कंपेयर करता हूँ, ये देखिए तो मैं दोनों को प्लेस कर रहा हूँ, लगभग डिज़ाइन देखोगे तो सेम इन्होंने इस तरह ये बनाया, रगड़ वॉचे है तो उसको जैसा चाहिए वैसा रखो, वैसा चाहिए वैसा फेंको, इतना पटकने के बाद भी शायद प्रॉब्लम इतना पटका है मैंने इस वॉच को, और भी बहुत सारी टेस्टिंग इसी कर सकते हैं, वाटर प्रूफ है क्या नहीं वो सारा देख सकते हैं। ये क्या है यहाँ पे, ओके इस तरफ दिया हुआ है, ये खोल के रबर स्ट्रैप है, अलग से दिया है इसको, एक प्रोटेक्शन के लिए दिया हुआ है कि कंप्लीट हाथों में अच्छी तरीके से आ जाए। तो चलो फटाफट इसको करते हैं ऑन और देखते हैं इसका फर्स्ट डिस्प्ले कैसा आता है। ओके, ऑन दबाते ही वाइब्रेट हुआ और यहाँ देखोगे यहाँ आ गया है फायर बोल्ट का लोगो। ओके, यहाँ देखोगे इसका फेस अभी यहाँ दे रहा है, जो इसका टाइम दिया हुआ है मार्च 14, इसकी जो डेट दी हुई है टाइम 11:50, यहाँ देखा जाए तो लगभग 11:40 11:50 यही टाइम लगभग हुआ है। और इसका फेस बहुत बढ़िया लग रहा है, इसको फेस चेंज करना है तो बस आपको इसको रोल करना है, यहाँ फेस के डिजाइन यहाँ चेंज होते रहेंगे इस तरह, देखिए ये सारे इसके डिजाइन हैं। और अगर मैं इसको प्रेस करता हूँ, ये ऑन एंड ऑफ के लिए है ये पार्ट लाया, ये जो है ये डायरेक्ट कौन से ट्रैकिंग पे जाना है, जीपीएस ट्रैकिंग जो है, एक्सरसाइजेस यहाँ पे दी हुई है, मल्टीपल एक्सरसाइज दे रखी है, कौन से वो मैं आपको बता दूंगा। तो उससे पहले बताता हूँ, अगर मैं स्वैप अप टू डाउन स्वैप करता हूँ तो यहाँ देखोगे यहाँ पे पहले आता है डीएनडी मोड एनेबल करना है, मतलब रात को सो रहे हो तो डिस्टर्बेंस होना नहीं चाहिए करके। बैटरी लाइफ दिखा देगा यहाँ पे कि लो बैटरी मोड पे अभी तक चार्ज किया नहीं है और उसको वाइब्रेशन रखना कर सकते हैं। कॉलिंग मोड है ये वाला जो है, प्लीज एड द ई कार्ड ऑफ द ऐप, ये जो है जो ई कार्ड इसलिए दिया हुआ है कि अगर आपके पास इंस्टाग्राम या यूट्यूब जो भी है आप उसका जो QR कोड है यहाँ पर रख सकते, किसी को देना, QR कोड स्कैन करके डायरेक्टली आपके पेज पे वो लैंड हो जाएगा। वापस दबाता हूँ इसको और नीचे आके देखते हैं, यहाँ पे आप देखोगे यहाँ दी है सेटिंग, सेटिंग में आप देखोगे डिस्प्ले दिया हुआ है, डिस्प्ले का यहाँ देखोगे ब्राइटनेस है, स्लीप है, वॉच फेसेस आप चेंज कर सकते हो, मेनू का डिज़ाइन कैसे आपको मेनू का डिज़ाइन चाहिए, रोल ऐसे अलग अलग फॉर्मेट में देखोगे कि यहाँ दिया लिस्ट व्यू है, हनी क्यूब्स है, पैरेलल है, ग्रीड है, सरफेस है, फुल मून, बहुत सारे अलग अलग इसमें ऑप्शंस दिए हुए हैं। और अगर मैं इसको प्रेस करता हूँ तो एक मिनट, ओके इससे बैक होता है तो बातें वाइब्रेशन में मोड है, इंटेंसिटी मोड दे रखा है यहाँ पे, इसको वापस बैक करते हैं, डीएनडी मोड है, लो पावर मोड है, फोन है, सिस्टम्स है, अबाउट अस यहाँ सब यहाँ दे रखा है। ओके, तो अगर इसको करता हूँ बैक, इसको अगर प्रेस करते हैं, प्रेस करके अगर देखोगे यहाँ बहुत अलग अलग वॉच फेसेस भी है, मुझे तो सबसे बढ़िया यही वाला लगा इसका वॉच फेस जो यहाँ पे मेंशन किया हुआ है। और अगर मैं इसको स्वैप करता हूँ, अगर मैंने इसको कोई बटन प्रेस करके स्वैप डाउन किया, यहाँ बहुत सारे ऑप्शंस आपको दिख जाएंगे, यहाँ पे देखोगे कि डीएनडी मोड है, बैटरी है, बाद में कॉलिंग मोड है, इसका ब्राइटनेस आप कम ज़्यादा कर सकते हो, आपको कितना ब्राइटनेस चाहिए, उसके बाद में ब्राइटनेस मोड, उसके बाद में इसको बैक करना है ये बटन को प्रेस करके, सेटिंग्स दी हुई है, कौन कौन सी सेटिंग्स इसके अंदर है, ये सारी सेटिंग्स है जिसके अंदर आप देखो सिस्टम है, अबाउट अस में जाके देखते क्या लिखा है, ये ब्लूटूथ फायरबोल्ट 185 है, यहाँ इसका वर्जन दिया हुआ है, मैक एड्रेस है, गेट है, और ऐप दे रखा है कि इसमें आप ऐप डाउनलोड कर सकते हो इसको स्कैन करके मोबाइल पे और इसको मोबाइल से कनेक्ट कर सकते हो। इसको करते हैं बैक, सिस्टम में जाएंगे, अलग अलग सिस्टम में दे रखा है, रिस्टार्ट पावर ऑफ और रीसेट करके ऑप्शन दिया हुआ है, फोन मोड है और बहुत सारी चीज़ें यहाँ दे रखी है, और ऐसा कुछ इसमें एक्स्ट्रा है नहीं। तो अगर तुम तो राइट से लेफ्ट से अगर राइट की तरफ स्वाइप करते हो आता है एक्टिविटी, स्लीप,
हार्ट रेट, फोन कॉल, एक्सरसाइज एक्सरसाइज रिकॉर्ड, एआई वॉइस, SPO2, वेदर, मैसेज, इसमें मैसेज भी आएंगे तो यहाँ रीड हो जाएंगे, इसका शटर, प्ले, टाइमर, अलार्म, स्टॉपवॉच, बहुत सारे इसके अंदर सेटिंग्स दे रखी है। आपको क्या सेटिंग्स, आपको अपने हिसाब से जो सेटिंग सेट करनी है आप यहाँ सेट कर सकते हो। और बात करते हैं इसके हार्ट रेट, ये सब मैं टेस्ट करके आपको बताऊंगा कि हार्ट रेट कैसे मॉनिटर कर रहा है, बाद में ये इसके अंदर SPO2 मॉनिटर कर रहा है, ये सारी चीजें मैं आपको इसमें एक्सप्लेन कर दूंगा कैसे होता है। अगर मैं राइट टू लेफ्ट करता हूं तो यहाँ देखोगे कि यहाँ आपको पूरी एक्टिविटी, आप जो पूरे रन कर, जो भी एक्टिविटी आपकी हो रही है यहाँ पे आपको डिस्प्ले में वो दिखा देगा। इस तरह वॉच स्लैप करो, स्लीप है, हार्ट रेट है, ये वन बाय वन आपको यहाँ शो करता रहेगा। SPO2 कितना है, अगर मैं यहाँ क्लिक करता हूँ, अगर यहाँ रख दिया मैंने, ये देखते हैं कि हथेली पे लेगा या नहीं, वो चेक करना पड़ेगा। पीछे देखोगे कि यहाँ ब्लिंक कर रही है, नॉर्मल कोविड के टाइम पे यहाँ पे रख के, यहाँ रख के लिया जाता था हार्ट रेट को, SPO2 जो मैच करते थे, 99% दिखा रहे हैं जब मैंने उंगली पे रखा इसको। तो यहाँ बहुत सारे अलग अलग यहाँ पे आप देखोगे फेसेस दे रखे, यहाँ दे रखे इसके जो फीचर्स है। नीचे से ऊपर स्वाइप कर दो, आपको जो भी मोबाइल मैसेज आ रहे हैं यहाँ आप मैसेज को रीड कर सकते हो। तो ये इसके फीचर्स है, इसे बैक करना है, इसे लॉक करना, इससे लॉक अनलॉक इससे होगा, इसको आप इसको रोल करोगे तो यहाँ वॉच के फेस चेंज होते रहेंगे, इसको आप करोगे तो इससे लॉक भी होगा, लॉक होगा और अनलॉक भी इससे हो जाएगा, और इससे बैक भी कर सकते हो। ये जो बटन है ये आपको डायरेक्टली आपके एक्सरसाइज मोड पे ले जाएगा। यहाँ दिया हुआ है GPS वॉकिंग, GPS रनिंग, GPS साइकिलिंग, ट्रेल, बहुत सारे ऑप्शंस दे रखे हैं, वॉकिंग, साइकिलिंग, स्कीपिंग, बैडमिंटन खेलते टाइम जो भी कर रहा है उसको एक तरीके से ये ट्रैक करेगा और आपको अपडेट करता रहेगा, और आपका कंप्लीट रिकॉर्ड यहाँ मेंशन रहेगा। और ऐसा कुछ है नहीं, बस इतनी सी ये वॉच थी। अगर मैं कंपेयर करता हूँ इस वॉच के साथ में, आप देखोगे कि दोनों का डिज़ाइन आप चेक कर लो, ये ये है जी शॉक की ओरिजिनल, ये है फायरबोल्ट जो कि इंस्पायर्ड, मेरे ख्याल से इंस्पायर्ड जी शॉक से ही है, जो कि रगड़ वॉच बनाई है इन लोगों ने। आप दोनों का डिज़ाइन भी देखोगे, लगभग डिज़ाइन इन लोगों ने सेम रखा हुआ है दोनों का, कोई ज़्यादा डिफरेंस है नहीं। अगर मैं इसको देखता हूँ, अगर मैं इसको करता हूँ लॉक, इसको यहाँ रख के यहाँ करता हूँ रोटेट, रोटेट करते, रोटेशन ऑप्शन है इसके अंदर, तो ओके। तो ये थी फायरबॉल स्मार्ट वॉच एक्सपेडिशन की अनबॉक्सिंग। तो आपको वीडियो कैसा लगा मुझे बता दीजिएगा। तो आशा करता हूं आपको वीडियो पसंद आया, आप जानते हैं आपको क्या करना, हिट द लाइक बटन और चैनल सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। तो जल्द मिलता हूँ, तब तक टेक केयर, बाय बाय बाय, और मिलते हैं ऐसे कोई अगले इन्फॉर्मेटिव वीडियो में, तब तक लिए टेक केयर, बाय 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 बाय, ये रगड़ स्मार्ट वॉच, बाय।